कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीआरपीएफ के आईजी राजकुमार ने बोकारो के चास स्थित 26 बटालियन के सीआरपीएफ कैंप का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद कोविड 19 से निपटने के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित क्षेत्र झुमरा की तलहटी में बनाए गए सीआरपीएफ के बेस कैंप का भी निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए आईजी ने कहा है कि सबसे पहले कोरोना से जवानों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए कैंपों का निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने नक्सल अभियान पर कहा है कि झुमरा के आसपास फरवरी महीने से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद सीआरपीएफ ने कई नक्सलियों को चिन्हित कर लिया है और कार्य योजना भी तैयार है, उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। बटालियन में कोरोना के संबंध में जो हमारी तैयारियां हैं उसी की समीक्षा को लेकर के बैठक रखी गई थी। जो हम लोगों ने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक का आयोजन किया, जवानों का सम्मेलन किया और उनको ब्रीफ किया गया कि कैसे हमें इस बीमारी से अपने आप को बचा के रखना है और क्या क्या सावधानी हमें बरतनी। पर जो इस बटालियन में कोरोना के संबंध में जो हमारी तैयारियां हैं उसी की समीक्षा को लेकर के बैठक रखी गई थी। जो हम लोगों ने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक का आयोजन किया, जवानों का सम्मेलन किया और उनको ब्रीफ किया गया कि कैसे हमें इस बीमारी से अपने आप को बचा के रखना है और क्या क्या सावधानी हमें बरतनी। पर जो